करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के रशियन कबाब बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने एक न्यू वी लॉगिंग चैनल राना दील अहमद के नाम से स्टार्ट किया है, जिसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इसका लिंक आप वीडियो के लास्ट पर भी देख सकते हैं। जिस तरह आपने मेरे बाकी तमाम चैनल्स को सपोर्ट किया, उसी तरह हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। चलिए अब मैं बताती हूँ कि रशियन कबाब के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। चलिए अब मैं बताती हूँ कि रशियन कबाब में हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स दरकार होंगे। इसके लिए मैंने ये 1 किलो जो हैं वो आलू बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करने के बाद उनको छीलकर हमने इनको मैश कर लिया। ये देखें, इस तरीके से आप मैश कर लें। आप चाहें तो इसको छोटा छोटा कट करके भी कर सकते हैं या कद्दूकस से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने बंद गोभी का एक बड़ा फूल लिया, इसको हमने कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो इसको फाइन जो है वो चॉप कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको कद्दूकस करके डाला क्योंकि रशियन है तो उसमें बिल्कुल ये नज़र नहीं आने वाले टाइप होगा, बस कलर आएगा, हल्का सा ग्रीनिश कलर आएगा, रेडिश कलर आएगा। इसी तरह हमने एक गाजर लिया जिसका साइज ये है, उसको हमने ये इस तरह कद्दूकस कर लिया। मैंने ये वाला कद्दूकस इस्तेमाल किया, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे कर लीजिएगा। चिकन को बॉईल कर लिया है, इसके अब हम छोटे छोटे फाइबर्स रेशे से बना लेंगे। इसको हमने यूं करना है, ये आपकी चॉइस है, आप इसको ज़्यादा डालना चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा कम ही डलता है। इसके बाद सुर्ख मिर्च ऑप्शनल है, लेकिन मैं टेस्ट के लिए इसको ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून। नमक 1/2 चम्मच हसबे जायका आप इस्तेमाल करेंगे, और जो 1 टेबलस्पून है, और थोड़ी सी शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़े अदरवाइज़, 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। सबसे पहले ये हम बंद गोभी शामिल करेंगे, इसके अंदर बंद गोभी ऐड करेंगे, गाजर, काली मिर्च, ये हम सारी इस्तेमाल करेंगे लेकिन टेस्ट कर करके इसके अंदर शामिल करेंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर फॉर टेस्ट, ये नमक, इसमें ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना है, हम 1 टेबलस्पून करेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं, और कुछ मैंने हरी मिर्चें भी बारीक काट कर इसमें मिक्स की है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आपको 1-2 जो हैं वो कबाब बनाकर दिखाती हूँ। आप चाहें तो कबाबों को अपनी मर्जी की शेप दे सकते हैं। ये हम कटलेट्स वाली शेप दे रहे हैं, नगेट्स या कटलेट्स वाली मैंने इसको शेप दी। आप चाहें तो इसको गोल, चकोर, जो आप जैसे आपको पसंद है वैसे इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं नगेट जैसे इसको शेप करूंगी। बस इस तरह मैं बाकी सारी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह मैं सारों को की शेप बना लिया, मैंने नगेट्स की शेप दे दिया। साथ एक अंडा मैंने ले लिया जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे, आप इसको सिंपल एग लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब हम किस तरह इसको फ्राई करते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये डिश कैसी लगी। जाने से पहले आपको फिर से कि हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, राना अदील अहमद के नाम से वीलॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, उसको भी सपोर्ट करें जिस तरह आपने मेरे बाकी तमाम चैनल्स को सपोर्ट किया। मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।